सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नेटवर्क 18 ने जो सर्वे लाया है उसमें जो माइनॉरिटीज के बारे में फियर्स हैं, विशेषकर मुस्लिम महिलाओं ने जिनका शिक्षण बहुत अच्छा हुआ है, उन्होंने तो ये कहा है कि मैरिज एज 21 के ऊपर होना चाहिए। काफी सारे प्रावधान हैं जिन्होंने कहा है कि यूसीसी के काफी सारे प्रावधान आने चाहिए। राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? जो आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो उनका निर्णय है, ये इस राज्य के देश के प्रगति के लिए है। और जो भी वो करते हैं देश की भलाई के लिए करते हैं। आज हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है, लेकिन ऐसे माहौल में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखना, बिल्कुल बनाए रखना ही नहीं, उसके और ऊंचाई पे ले जाना, ये काम भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने किया है। देश को महासत्ता की ओर ले जाने का प्रयास उनका है। और इसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो समान नागरिक कानून अगर आता है तो सभी वर्ग के लोगों को न्याय मिलेगा, सभी वर्ग का उत्थान होगा, प्रगति होगी और उनके जीवन में आमूलाग्र बदल होगा। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, ऐसी सोच हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की थी। वो भी ऐसा ही चाहते थे, एक देश में एक कानून हो, एक नियम हो जिसका सबको फायदा हो। और ये बहुत ही बड़ी बात है और इसीलिए हमारे बाला साहब ठाकरे जी का वही वही विचार था। आज हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री उसी दिशा में जा रहे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो ये सुझाव है या उनका निर्णय है, उसे पूरी तरह समर्थन है और सपोर्ट है। और उनके विचार से हम हमारी सरकार महाराष्ट्र की सहमत है। न्यूज़ 18 को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने काफी लोगों से बातचीत की।